हेलो गाइस, दिस इज विपिन सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लद्दाख के लिए प्लान कर रहे हो, या फिर अरुणाचल प्रदेश के लिए प्लान कर रहे हो, या फिर सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया के लिए अगर प्लान कर रहे हो, जिसमें आसाम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये सब टाइप के जो लोकेशंस आते हैं। मेरी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, केरला से हो, कोई केरला से है तो कोई आंध्र प्रदेश से, तो बेसिकली साउथ ऑफ इंडिया पकड़ लो या सेंट्रल ऑफ इंडिया पकड़ लो। हम लोगों को लद्दाख जाने के लिए, मनाली जाने के लिए, भूटान, नेपाल, सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया जाने के लिए, जो कि बहुत ही आइकॉनिक प्लेस होता है, यहाँ पे जाने के लिए हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हम लोगों को ऑल द वे राइड करके जाना पड़ता है। सो गाइस, इस केस में लोग या तो बाइक पार्सल भिजवाते हैं या तो फिर बाइक को चला के जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे सिचुएशन में अगर आप लद्दाख प्लान कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। राइड करके जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा या फिर ट्रांजिट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर ट्रांजिट करना है तो कौन से मीडियम से ट्रांसपोर्ट कराना सबसे बेस्ट होगा, ट्रेन, वुडन बॉक्स में, या फिर जैसे सेफ एक्सप्रेस टाइप के जो लोग होते हैं, जोड़ा अपने खुद का टेम्पो में डालकर रैप करके लोड करके लेके जाते हैं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। या फिर जो स्टील की ग्रिल होते हैं उसमें भी कुछ लोग पैक करवा के अपने बाइक को लेके जाते हैं। तो इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा ट्रांसपोर्ट के लिए, इसमें गाइज मैं छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप सो आपको ये हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट बड़े ट्रिप के प्लान के लिए। सो गाइज, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं लद्दाख कर चुका हूँ और लद्दाख के साथ साथ मैं मनाली के लिए भी अलग से गया था। सो एवरीवन नोज दिस थिंग कि लद्दाख के थोड़ा पहले ही जस्ट मनाली आता है। सो बेसिकली लद्दाख एंड मनाली दोनों पास पास है। इस दोनों लोकेशन को कवर करने के लिए मैं अलग अलग टाइम पे खुद से गया था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो पनवेल से लोड करवा के बाइक को अपने मैं लेकर गया था चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से अनलोडिंग करवा के मैं बाइक चला के लेके गया था लद्दाख। सो ये एक ऑप्शन हो गया। एंड सेकेंड ऑप्शन, जब मैं मुंबई से अपने इस घर से जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से बाइक चला के मैं पूरे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, फिर फाइनली जाके मैं मनाली पहुँचा था, और मनाली में मैंने पूरा व्लॉग बनाया था। जी हाँ, मेरा मनाली का सीरीज़ भी आने वाला है। तो यहाँ पे मैं पूरा बाइक चला के गया हूँ, बाइक चला के लाया हूँ, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन था। एंड इसके पहले जो मैंने ट्रेन में लेके गया था वो भी एक बेस्ट ऑप्शन था। लेकिन सबसे सेफेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो इम्पॉर्टेंट है। बाय, क्योंकि हम सब की, हम राइडर्स की जो जान है ना, वो हमारे बाइकों में बसती है। अगर बाइक सेफ नहीं है तो हम सेफ फील नहीं करेंगे। अगर बाइक को एक छोटी सी भी चोट आ जाए तो हमारे साथ दिल में छेद हो जाता है, पैसों का नहीं, दुख, दर्द और पीड़ा का। वाई? बिकॉज बाइक हमें जान से प्यारी होती है, और ये चीज़ आपको हर राइडर में मिलेगा। सो एनीवेज गाइस, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। सो गाइस, मैं अगर अपनी बात करूँ, जब मैं लद्दाख गया था तो मैंने अपना बाइक ट्रेन में ट्रांसपोर्ट करवाया था। तो सबसे पहले मैं ये बता दूंगा कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया उस ट्रेन में ट्रांसपोर्ट करवाते वक्त, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में कितने सारे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड थर्ड ऑप्शन मैं ये बताऊंगा कि जब खुद से चला के जाते तो क्या एक्सपीरियंस होता है, तब क्या खर्चा होता है, वो सारे बजट मैं आप आपको डिस्कस करूंगा। सो गाइज, अगर मैं बात करूं अपने खुद की, जब मैं लद्दाख गया था तो मैंने ट्रेन में अपने बाइक को भेजा था। अब उसके लिए क्या प्रोसेस होता है कि सबसे पहले तो आपको अपने आपके बाइक को लेके जाना पड़ता है। अगर मैं इंडियन रेलवे की बात करूं तो आपको अपने बाइक से सारा पेट्रोल निकालना पड़ता है वहां पे जाके। सो इसलिए जब भी अगर आप ट्रेन से अपने बाइक को भेजने वाले हो तो मेक श्योर कि आप अपने सारे पेट्रोल को अपने घर पे ही निकाल के रख लो, और बाइक में सिर्फ उतना ही पेट्रोल रखना जहाँ तक आप घर से लेके स्टेशन तक पहुँच सको। क्यों? बिकॉज आप रेलवे में लेके जाते हो, वहाँ पे जो लोग पेट्रोल निकालते हैं वो पेट्रोल वो लोग रख लेते हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आया है तो आपका फैमिली मेम्बर डेफिनेटली पेट्रोल लेके जा सकता है। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि पार्सल जब हम कराने जाते हैं अक्सर हम अकेले जाते हैं, तो इन दैट केस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिस ट्रेन में बाइक भेजते उसी ट्रेन में उनकी खुद की टिकट भी होती है। तो बाइक पार्सल के लिए देते हैं, एंड ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपके बाइक से पेट्रोल पूरा निकाल के अपने पास रख लेते हैं, जो कि इनका पूरा मुनाफा होता है, और इसके लिए कोई कॉम्पनसेशन आपको नहीं मिलता रेलवे से। इसके लिए जब भी आप जाओ आप अपने घर पे ही सारा पेट्रोल निकाल लो। एंड गाइस, वन मोर थिंग, गूगल करके अपने जो भी आपका बाइक है उस बाइक का ये पहले पता लगा लो कि उस बाइक के रिजर्व में कितने लीटर ऑफ फ्यूल्स होते हैं। बिकॉज अगर मैं अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन की बात करता हूँ तो गाइस, रॉयल एनफील्ड हिमालयन में तकरीबन 5 लीटर फ्यूल रिजर्व में होता है, और ये बात मुझे पता नहीं था। इसलिए जब मैं वहाँ पर पहुँचा, जब मैं बाइक को ट्रांसपोर्ट कराने गया था,
फ्यूल निकलते जा रहा है। मैं बोला भाई ये तो रिजर्व में था, और पहले बात तो फ्यूल वो लोग निकालते मुझे पता भी नहीं था। जब मैं वहाँ पे गया, वो लोग फ्यूल निकाल रहे थे, उन्होंने कहा कि ट्रेन में आग लगने के डर से वहाँ पे फ्यूल अलाउ नहीं करते बाइक में, तो इसके लिए जो जितने भी फ्यूल थे वो लोग निकाल रहे थे। एंड गाइस ट्रस्ट मी, तकरीबन 5 लीटर फ्यूल निकला था, उससे भी ज़्यादा निकला था इनफैक्ट, और उन लोगों ने सारा रख लिया, प्लस उसका मुझे पैसा तक नहीं दिया। और ये जो होता है बेसिकली जो काम वाले लोग होते हैं जो वहाँ पे यू नो आपके बाइक लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, वो लोग ही रख लेते हैं। सेकेंड फिर इसमें ऑप्शन आता है पैकेजिंग का। सो गाइस पैकेजिंग की अगर बात करें, नॉर्मली जो हर स्टेशन पे पैकेजिंग का जो चार्ज लेते हैं वो 300 से 400 के रेंज में होता है, लेकिन इसमें भी एक हैक है गाइस, उन लोगों की जो पैकिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो अगर आपको ट्रेन में भेजना है या कहीं से भी भेजना है, बबल रैप लेकर जाना खुद से खरीद के, भले उसमें 300-400 देना पड़े वो करो, और उसको पूरा कम्प्लीटली रैप करवा के हर एक चीज़ को पैक करना। एंड गाइस जो थर्ड थिंग है वो ये कि पैक करवाते वक्त अगर आपके बाइक में मोबाइल होल्डर लगा है या कोई भी एक्सेसरीज लगा है उसको भी पैक करना, कोई भी चीज़ ऊपर ऐसे रॉ में मत छोड़ना, नॉट इवन योर वाइजर, नॉट इवन योर मिरर, किसी को भी ओपन मत छोड़ना, हर चीज़ को पैक करवाना। बिकॉज और हो सके तो मिरर आप निकाल लेना, वाइजर आप निकाल लेना, एंड मोबाइल होल्डर वगैरह कुछ भी होगा वो सबको निकाल लेना, सारे एसेसरीज निकाल लेना। एक्स्ट्रा लाइट चाहिए तो आप रहने दो, बट एक्स्ट्रा लाइट को आप पैक करवा देना अच्छे से, बिकॉज अगर आपने पैक नहीं किया तो डेफिनेटली कोई और नहीं, यही जो लोग होते ना ये लोग ना रेलवे वाले ही बेसिकली ये लोग निकाल देते। एक रेलवे से दूसरे रेलवे जाने तक कोई थर्ड पर्सन आता नहीं है, वो रेलवे के कर्मचारी ही होते जो ये काम करते। और मेरे जो बाइक है उसमें एक मोबाइल होल्डर चोरी हो गया था, जिसका मैंने गुस्से में उस वक्त एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये चोरी हो गया था एंड उस वक्त मैं पुलिस के पास भी गया, मैंने कंप्लेन किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस बोलता है उसके पास जाओ, वो बोलते इसके पास जाओ, ये बोलते उसके पास जाओ, ऐसा कर करके मैंने सिर्फ टाइम वेस्ट किया और मुझे कुछ नहीं मिला। एंड बाद में मुझे पता चला एंड में कि आपको कोई भी एसेसरीज कितना भी महंगा हो, अगर आपको मुआवजा मिलेगा भी तो वो सिर्फ किलो के हिसाब से मिलेगा, और वो भी जो लोखंड का जो प्राइस होता है आयरन का उसके किलो के हिसाब से मिलेगा, ऐसा मुझे उन लोगों ने बोला। किसने? रेलवे वाले लोग ने बोला। तो मैंने बोला अभी छोड़ो, जाने दो, 2000 का तो मेरा मोबाइल होल्डर चोरी हो ही गया, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। हाँ मैंने उसका वीडियो ज़रूर बनाया ताकि रेलवे को ये चीज़ पता हो कि इस टाइप की चीज़ें हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, वीडियो ज़रूर देखता। तो गाइस ये चीज़ है, कोई भी एसेसरीज मत छोड़ना, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट गाइस ये है कि जब वो लोग आपका रिसिप्ट बनाएंगे, रिसिप्ट वो लोग कौन से बेसिस पर बनाएंगे, ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम में भी पूछा है, तो मैं इसका जवाब यहाँ पे देता हूँ। आपका अमाउंट कैलकुलेट होता है आपके IDV वैल्यू से, बेसिकली जो कैलकुलेशन करते हैं वो आपके IDV वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। आपके इंश्योरेंस में जो IDV वैल्यू होता है उस पे वो लोग कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितना अमाउंट वो लोग चार्ज करेंगे। सो उनका एक पर्टिकुलर रेट होता है, तो उससे कुछ मल्टीप्लाई करके वो लोग अपना रेट कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। प्लस इसमें वो लोग लोडिंग अनलोडिंग का भी चार्ज लेते हैं, बेसिकली लेना तो नहीं चाहिए बिकॉज वो लोग रेलवे में जॉब, बट क्या है कि लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस वो लोग लेते हैं, कुछ कुछ लोग लेते हैं, हर कोई नहीं लेता। इसके पीछे रीज़न जो है वो ये है कि कुछ रेलवे कर्मचारी वाले क्या करते हैं, जो बेसिकली पार्सल डिपार्टमेंट में है, वो लोग जो थर्ड पार्टी वालों को हायर करते हैं जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को लोग लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए अलग से चार्ज देते हैं, वो चार्ज लोग हम पे लगाते हैं। मुझे तो उन लोगों ने लोडिंग अनलोडिंग का 800 चार्ज लगाया था, जो कि एक्चुअली में उतना लगाना ही नहीं चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ उनका इंश्योरेंस वाला वैल्यू भी होता है, आप इंश्योरेंस ले लेना, पार्सल करवाते वक्त भी कुछ इंश्योरेंस लगता है, आप वो इंश्योरेंस जरूर लेना, सो दैट अगर कल को तो आपके बाइक का अगर कुछ डैमेज होता है तो आप उसका क्लेम कर सको। सो दैट्स इट गाइज, मेरा जो कॉस्ट आया था वो आया था अराउंड 3000-3500 के रेंज में। नॉर्मली हिमालयन जैसी जो बाइक होती है, अभी आप कौन से बाइक लेके जाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो IDV वैल्यू है उस पर कैलकुलेट होता है। तो अगर आपका IDV वैल्यू ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट होता है। एंड इसमें भी जो नॉर्मल बाइक्स होगा आपका, उसका कॉस्ट चला जाएगा 8 से 10 हज़ार, ट्रस्ट मी 8 से 10 हज़ार वैसे ही जाएगा। एंड रेलवे का अब तक का जो मेरा रिव्यू था, जब देखो जैसे कि आप हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इसी तरीके से मैंने भी काफ़ी सारे वीडियो सर्च किए थे कि क्या मैं ऑनलाइन अपना मैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपना बाइक भेज सकता हूँ लद्दाख वगैरह, तो वो चेक करने के लिए मैंने भी काफ़ी सर्फिंग किया था, बट किसी ने भी ऐसा प्रॉपर वीडियो बनाया नहीं था जिसमें इन सब चीज़ों का इन डिटेल में कोई बताया हो, ऐसा मुझे प्रॉपर वीडियो कहीं मिला नहीं। रेलवे पार्सल से अपने बाइक को लद्दाख भेजते हो तो आपका क्या क्या स्टेप होगा, क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे, वो सब मैंने आपको बताया है। लेकिन
क्या इसका रिव्यू अच्छा है? नहीं, इसका रिव्यू अच्छा नहीं है। अब तक जिन जिन लोगों ने अपने बाइक को इंडियन रेलवे से पार्सल करके लद्दाख भेजा है, चंडीगढ़ भेजा है, अक्सर उनके बाइक में कुछ ना कुछ डैमेज होता है। मेरी भी बाइक में डैमेज हुआ है। मेरा दोनों का दोनों पार्किंग लाइट जो था फ्रंट का वो टूट गया था, और मेरे जो वाइजर थे वो लूज हो गए थे, मेरे जो मिरर थे वो एक साइड से बेंड हो गए थे ज़्यादा, एक साइड से नॉर्मल था। एंड इन लोगों ने मेरे बाइक को कहीं तो गिराया था, बिकॉज मेरे बाइक में बहुत सारे स्क्रैच थे। एंड अक्सर इंडियन पार्सल से अगर आप बाइक भेजोगे तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। सो इट्स अप टू यू कि आपको चला के जाना है कि आपको रेलवे के थ्रू भेजना है। अब ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए गाइस और भी बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जो इन सब चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि सेफ एक्सप्रेस है एंड और भी दो तीन है, जैसे कुरियर वाली कंपनी है, उसके पास अगर आप जाओगे तो वो लोग, अगर आप इंक्वायरी करोगे तो वो उनका एक बेसिकली गोडाउन जैसा एक जगह होता है जहाँ पे आप अपने बाइक को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए तैयार करते हो, देन ट्रांसपोर्ट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज ऐसे होती है जिनका खुद का पर्सनल टेम्पो होता है, वो आपके घर तक आता है, पिकअप करता है एंड जिस होटल में आपको चंडीगढ़ में स्टे करना है वहाँ पे प्रॉपरली ड्रॉप कर देगा। तो ये एक होता है, लेकिन वहाँ पे भी अगेन आपका चार्जेस 9,000 से 10,000 चला ही जाता है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं जो स्टील केज में आपके बाइक को भेजते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ डैमेज होने के चांसेस होते ही है। अब गाइस मतलब बेसिकली आप कितना भी कर लो, अगर आपका नसीब खराब है तो आपका बाइक डैमेज कहीं ना कहीं होता ही है। और ये ट्रांसपोर्ट ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप कितना भी बचा लो कुछ ना कुछ नुकसान आपको करके ही देगा, ऐसा है। प्राइवेट कंपनीज ऐसे भी होती है जो वुडन बॉक्स में भेजती है। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा बिकॉज ये कोई स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो मुझे पता है। सो कुछ लोग स्टील केज में भेजते हैं, कुछ लोग वुडन बॉक्स में भेजते हैं, कुछ लोग का प्राइवेट टेम्पो होता है जो लोग आते हैं आपके घर में से डायरेक्ट पिकअप करके डोर टू डोर सर्विस देते हैं, पूरा पैक करके रैप करके, एंड उस केस में आप शायद लगेज वगैरह भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ होता है। तो ये सब सारे फैसिलिटीज होते हैं। और अब कितना भी कर लो हर केस में आपका जो एक्सपेंसेस है वो 8,000 से 10,000 तक चला ही जाता है, उतना आपका खर्चा हो ही जाता है। क्योंकि रेलवे की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे आप लोडिंग करने के लिए ही 800 मुझसे लिया जा रहा था, वहीं पे वहाँ पे अगर आप अनलोडिंग करने जाओगे तो उधर भी 100-200 लोग लेते ही है। चंडीगढ़ साइड कम है, मुंबई साइड थोड़ा ज़्यादा है लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज। तो इस तरीके से पूरा जो है इनका स्ट्रक्चर होता है। अगर आपका कोई सामान चोरी हो गया तब तो फिर भूल जाओ कि आपको कुछ मिलने वाला है। इन टोटल देखा जाएगा तो आपको काफ़ी लॉस होता है ट्रांसपोर्ट करवाने में। तो मेरा ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ट्रेन में भेजा ट्रांसपोर्ट करवा के और जो मैं पर्सनल राइड किया, इन दोनों का अगर मैं बताऊँ तो ट्रांसपोर्ट में मेरा मोटा मोटा एक्सपेंस जो है वो हो गया तकरीबन 10,000 से 11,000, क्योंकि उन लोगों ने फ्यूल रख लिया। दोनों केस की बात कर रहा हूँ, दोनों टाइम में, क्योंकि उधर से भी जब मैं चंडीगढ़ से भिजवाया मुंबई लद्दाख के टाइम पे, वहाँ पे भी सेम केस, जो भी पेट्रोल था वो लोगों ने रख लिया, प्लस उन लोगों ने मेरा मोबाइल होल्डर चोरी कर लिया जिसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है, और उधर जाकर बाइक छोड़ के आना, फिर अलग से ट्रेन का टिकट निकालना, तो ओवरऑल जो खर्चा है मेरा आने जाने का, मेरा और मेरे बाइक का दोनों अगर मैं कंबाइन करूँ, खाना पीना स्टे वगैरह सब मिला के, मतलब स्टे तो नहीं क्योंकि मैं ट्रेन से आया था और बाइक भी ट्रेन से भेजा था और ट्रेन से ही मंगवाया था रिटर्न, और ट्रेन से मैं गया था, मैं खुद पर्सनली मैं ट्रेन से भी गया था, ट्रेन से ही आया था, तो नियर अबाउट टोटल खर्चा जो है वो 15,000 के आसपास वैसे भी पहुंच गया था। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न, जब मैं मनाली गया था, मनाली जाते वक्त मैं बाइक से गया एंड बाइक से भी ऑलमोस्ट उतना ही खर्चा आया, तकरीबन 15,000 के आसपास। क्योंकि बाइक से जब मैं यहाँ से निकला था, मैं फर्स्ट हॉल्ट लिया था उदयपुर में, वहाँ पे मैं एक हॉस्टल में रुक गया था, कुछ लोग होटल में भी रुक सकते हैं तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, बट क्योंकि मैं अकेला था, सिंगल था, सोलो राइडर था, मेरे को कोई टेंशन नहीं था स्टे का, तो मैं हॉस्टल में रुक गया था जिसमें ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ का मुझे एक बेड मिल गया था, तो रात ही काटना था थोड़ी ना, वहाँ पे मेरे को कुछ परिवार बनाना है तो होटल लेके क्या करूँ। तो उसके बाद मैं चंडीगढ़ में गया जहाँ पे मुझे एक होटल मिला जो कि 1500 का एक होटल था, 1500 का, तो ये मिला के प्लस मेरा फ्यूल मिला के प्लस जो भी मैंने खाया पिया जाने के टाइम पे और आने के टाइम पे, दोनों मिला के तकरीबन 1500 से 16,000 खर्चा हो गया था। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है दोनों केस में सेम है, लेकिन जो एक मेंटल पीस है, सो बेसिकली जब आप बाइक चला के जाते हो तो आपको जो एक मेंटल पीस है वो आपको मिलता है, आप खुद के बाइक के साथ जाते हो, आप ज़्यादा राइड कर पाते हो, लॉन्ग राइड का आपको एक्सपीरियंस मिलता है, प्लस आपका बाइक आपके नज़रों के सामने होता है, आपका बाइक आपके हाथों में रहेगा तो डेफिनेटली जैसा ट्रेन में डैमेज होता है या कोई और ट्रांसपोर्ट में डैमेज होता है
वो डैमेज आपको यहाँ पे पर्सनल लेवल पे नहीं आप करोगे, आपका बाइक सेफ रहता है। हाँ, उसका वेयर एंड टेयर होता है, पर ठीक है, मतलब आप इंजन ऑयल बेसिकली थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाओ, थोड़ा टॉपअप मार देना, तो क्या होगा कि इंजन में ऑयल का लेवल जो है बेसिकली उसको मेंटेन रखना है। बस सोलो राइड में ऐसा है कि आपको सेफली राइड करना है, आपको ज़्यादा घाई नहीं करना है, आपको अकेले राइड करने का जो मज़ा होता है फन, वो भी मैंने लिया, आपको वो लेना है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको टायर का प्रेशर चेक करवाना है, टायर अच्छे कंडीशन में होने चाहिए, आपका इंजन का जो ऑयल है आप एक्स्ट्रा लेके चलो, अगर आपको लगा कि ज़्यादा किलोमीटर कर लिया तो थोड़ा सा कि कहीं पे डलवा दो इंजन ऑयल, इंजन ऑयल का लेवल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, और बाकी फ्यूल तो आपको डालते रहना है, एंड दैट्स इट। सो गाइस, अब आते कंक्लूजन पे कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ट्रेन से या कोई ट्रांसपोर्ट से बाइक भेजना या खुद चला के जाना। सो गाइस, यहाँ पे लोगों का जो व्यू है वो बहुत डिफर करेगा, जो जॉब वाले हैं उनके पास टाइम नहीं होगा कि वो 2 से 3 दिन राइड करके जाए, बिकॉज मैं जब मनाली गया था तो मैं मैं थर्ड डे मॉर्निंग में मनाली टच हो गया था। अगर आप ट्रेन से भेजो तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेन, वहाँ पे भी आपको 1 से 1.5 दिन लग ही जाता है। सो मेरा ये सजेशन है, मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आप लद्दाख जाते हो तो आप बाइक चला के जाओ। हाँ, लेकिन जो साउथ वाले हैं उनको थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, तो देख लीजिए, दिस इज़ अप टू यू, योर चॉइस कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अच्छा आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपना जो प्लान है उस हिसाब से बनाओ कि आप बाइक जो चला के जाओगे, चला के आओगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, प्लस आपका ऑन रोड का एक जो ब्लॉग है वो भी बन जाएगा, जो कि एक्चुअली में लोगों को बहुत मज़ा आता है देखने में। दैट्स इट गाइस, मैं इस वीडियो में यही आपको बताना चाहता था कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपको बाइक को पार्सल करवाना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, या फिर खुद चला के जाना बेस्ट ऑप्शन है, एंड उन दोनों केसेस में जो बजट होता है वो लगभग कितना होता है। ये मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट मैं मिस आउट कर चुका हूँ या कुछ पॉइंट आपको पता है तो आप उसे ऐड ऑन करवा सकते हो, कैसे, आप कमेंट में मुझे मेंशन कर देना, मैं सारे पॉइंट्स को क्लब करके कमेंट में एक कमेंट में लिख के उसे हाईलाइट कर दूंगा, सो दैट जो कोई न्यू व्यूवर आके देखेगा इस वीडियो को उसको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाए। एंड गाइस, जो आपके सजेशन है वो ऑलवेज वेलकम होगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपने यहाँ से सीखी है आज, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करेंगे तो थोड़ा सा पुश होने में हेल्प मिलेगा। सो गाइस, बंदा पूरा मेहनत कर रहा है, पूरा जोर मार के, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID लाइफ ऑफ द राइडर्स एंड फूड डिलीशियस दिल से। सो इसके साथ गाइस, मैं लेता हूँ अलविदा और मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, एंड बहुत जल्दी मनाली सीरीज स्टार्ट होने वाला है। टाटा, बाय बाय, शुक्रान, तब तक आप देख लो स्क्रीन पे दूसरा वीडियो आ रहा है, ये मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।